नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश जेल बॉर्डर फायरमैन का एग्जाम कंप्लीट हुआ है, उसमें 19 दिसंबर में जो कि फर्स्ट शिफ्ट में सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर प्रॉपर आंसर की इसकी देखेंगे और देखेंगे कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार के थे। तो ये दो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। पहली, जिन्होंने जेल बॉर्डर फायरमैन का एग्जाम दे दिया है, वो देखेंगे कि आपका आंसर कौन सा सही है, कौन सा गलत है और क्यों गलत हुआ है या आपके मन में सवाल रहता है, तो उसको भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और दूसरी, उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो लेखपाल की और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप भी इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पूरा प्रश्न पत्र हमारे यहाँ पर है हमारे सामने, और यहाँ पर हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग के घास खा रहा है, तो क्या बछड़ा? बछड़ा तो होगा नहीं दोस्तों, बछड़ा क्योंकि हम गाय के बच्चे के लिए करते हैं प्रयोग, यहाँ पर मृग की बात कर रहा है। शिशु दोस्तों होगा नहीं, क्योंकि शिशु और बच्चा दोस्तों जो मानव के बच्चे होते हैं उनके लिए प्रयोग होता है, शिशु किसी के लिए कर सकते हैं। और शावक का अर्थ दोस्तों जो पशु के बच्चे होते हैं उनके लिए हम शावक प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके जंगल में पशु रहते हैं। तो मृग जंगल में रहने वाला है, तो मृग जो शावक घास खा रहा है, तो यहाँ पर डी विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसका आपका आंसर अपने आप मिला लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है, बहुव्रीह द्वंद अव्ययी भाव कर्णधार है। दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर गए हैं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि कनफटा बहुव्रीह समास होता है। कनफटा का अर्थ दोस्तों फटा है जिसका कान, अर्थात साधु, साधु के लिए हम प्रयोग करते हैं आपके कनफटा। और बहुव्रीह समास होता है जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, तो इसमें साधु जो तीसरा पद है यही प्रधान है, तो बहुव्रीह समास होगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। समास विग्रह का अर्थ होता है कि जो आपके समस्त पद जिससे बनता है उसके मूल में, जब आपके उसके मूल अवस्था में फिर से उसको लाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सही होगा आपके बी विकल्प, कार्य में दक्ष। ये एक प्रकार का समास विग्रह है। क्या दोस्तों? समास विग्रह है, और एक प्रकार का आपके आपके तत्पुरुष समास है। और अगर तत्पुरुष में भी कौन से, तो तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है, ये बात आप समझ लेंगे। आगे चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो और हैं, तो नगर प्रवेश दोस्तों समस्त पद है, इसका समास विग्रह होगा नगर में प्रवेश। कला प्रवीण होगा कला में प्रवीण, और रण सूर मतलब रण में सूर, तो ये सभी दोस्तों आपके आपके अधिकरण तत्पुरुष समास है। क्या दोस्तों? अधिकरण तत्पुरुष समास है। ये सारे समास पद थे, ये समास विग्रह था, और समास विग्रह का ही पहचान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलती कर गए हैं कि रमेश चंद्र शाह को, जो रमेश चंद्र शाह हैं, इनको विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा थी, तो विनायक इनकी रचना है, और इसके लिए इन्हें 2014 में क्या किया गया दोस्तों? विनायक की रचना है, इसके लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो यह एक प्रकार का उपन्यास है। क्या दोस्तों? एक प्रकार का उपन्यास है, और इसके रचयिता कौन है, बताया गया कि रमेश चंद्र शाह। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर इस तरफ चलेंगे पांचवें क्वेश्चन के लिए कि हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। हमेशा एक जैसा रहना इसके लिए कौन सी लोकोक्ति सही होगी? हाथ कंगन को आरती क्या, दोस्तों ये होगा नहीं, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसका अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण किया क्या आवश्यकता होती है। होनहार बिरवान की होत चीखने बाद, जो आपके होनहार व्यक्ति होता है उसके बचपन में उसके लक्षण दिख जाते हैं। मुँह में राम बगल में छुरी, जो मुँह पर तो आपकी भलाई करे लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करे, उसे कहते हैं मुँह में राम बगल में छुरी। सावन भरे न भादव सूखे, ये सही विकल्प होगा, क्योंकि जो हमेशा एक तरह से कहते हैं कि सावन हरे न भादव सूखे, सही है। आप अपने आंसर को मिलाते चलिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 में आपका सी है कि दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन है, तो सही होगा सी, हरिवंश राय बच्चन। दो चट्टाने किसकी आपकी रचना है? आपके हरिवंश राय बच्चन की रचना है, और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 ईस्वी में हुई थी, और इस पेपर में साहित्य अकादमी से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन देखा था कि उपन्यास जो विधा थी उसमें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया था। ये यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा क्या दिया गया है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो 7 से लेकर 11 तक के जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पर इस निबंध को पढ़ने के बाद पता चलेंगे। तो इस निबंध को हम ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग भी ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। जब भी आप इस अनुच्छेद को पढ़ें तो क्या करें दोस्तों, उसको अंडरलाइन करते चले, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके कि जब आप क्वेश्चन को देखें तो आपको बार बार एक चीज को पढ़ना ना पड़े। तो विज्ञान और दर्शन क्या है दोस्तों, दोनों एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की
प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता, जो विज्ञान है इसमें सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय चिरंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ वर्ष तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद्य ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांतों तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी नहीं कि अब न्यूटन का, यहाँ पर ध्यान से इसको पढ़ते चलेंगे, अब न्यूटन का सिद्धांत बेईमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दो, इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। तो ये बात पूरी तरीके से समझ ली। अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमने पूरा ध्यान से पढ़ लिया तो क्वेश्चन भी आसानी के साथ कर लेंगे। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है, ये आपसे पूछ रहा है कि विज्ञान के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है, यहाँ पर जो आपको नहीं आया। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता, ये हमने आगे पढ़, ये तो हमने इस आपके अनुच्छेद में आर्टिकल में पढ़ाई है। देखिए दूसरा क्या है, विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है, ये भी हमने पढ़ा है। और यहाँ पर देखिए, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करता है, ये बात हमने नहीं यहाँ पर पढ़ी है। और ये देखिए, विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं, ये तो पहले ही लाइन थी, तो सी विकल्प होगा। ये अपर कहीं पर नहीं आया है इस अनुच्छेद में, तो किस असत्य कथन है, ये आपका सी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपका जो आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य और परम सत्य नहीं होता, तो विज्ञान का, ये हमने यहाँ पर पढ़ा है। अगला दोस्तों आपका हो सकता है, आठ का भी हमने समझ लिया। अब यहाँ पर आगे चलेंगे, आप लोग मिलाते चलिएगा, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ, तो आपने पढ़ा कि क्वांटम फिजिक्स की वजह से, और जो आइंस्टाइन का था, तो क्वांटम फिजिक्स यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नौ का ए क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर दोस्तों, दसवें क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखते चलिएगा। आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि आज भी जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है इसका ही प्रयोग होता है, जो न्यूटन का है आपकी, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में। तो इस प्रकार से 10 का सी सही उत्तर होगा। तो आर्टिकल को पढ़ने के बाद आसानी से इसका उत्तर हम दे सकते थे। ग्यारहवां क्वेश्चन है कि किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया, तो ये तो हमने समझ लिया है कि क्वांटम फिजिक्स ने। तो आर्टिकल को पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन हमारे आसानी के साथ हो गए। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। उपसर्ग मतलब होता है दोस्तों जो किसी भी शब्द के आगे रहता है, ये एक ऐसा शब्दांश होता है जो आगे लगता है, और दोस्तों जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इस बात को आप समझ सकते हैं, पास से पीछे और पास से प्रत्यय, और उपसर्ग आप क्या होगा दोस्तों, उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, आगे लगता है। तो परिवर्तन और परिवार में समझेंगे कि परि उपसर्ग है, क्या है, परि उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन आपके विकल्प में है कि वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता लिखी है, किसने लिखी है, तो देखिए पढ़कर समझ लीजिए। यह कविता मैंने लिखी है, यह कविता उस लिखी है, बन नहीं रहा है, यह कविता तुम लिखी है, नहीं बन पा रहा है, किसने लिखी, ये भी मर रहा है। लेकिन अगर किसने होता तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता। यह कविता लिखी है, मैंने, सही उत्तर होगा, ए बिल्कुल सही उत्तर है। इस बात को समझ कर चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि राम कुमार वर्मा बहुत ही प्रसिद्ध लिखते हैं, इनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। ये एक बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे विद्यार्थी इसके क्वेश्चन गलत कर गए। मैंने देखा है बहुत सारे विद्यार्थी मलिक मोहम्मद जायसी को कर दिए, और किस प्रकार से उन्होंने इसको किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन समझ कर चलेंगे कि राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक आपके मुल्ला दाऊद को माना है, और मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना थी आपकी पद्मावती, इस बात को याद रखेंगे। अगला है दोस्तों आपका, हम चलेंगे यहाँ पर दोस्तों 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद है, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, उद्घन घाटन। यहाँ पर दोस्तों कन्फ्यूजन क्या बनता है, बहुत लोग समझते हैं कि द कहाँ पर आगे आएगा, कहाँ पर ता आएगा, तो इसके लिए समझ कर चलेंगे कि जहां पर दोस्तों द के बाद क ख त थ प फ और स हो, अगर ये सात शब्द द के बाद आ रहे हैं तब आप, अगर ये सात शब्द आ रहे हैं आपके द के बाद तभी द आपके होगा, अगर इसके अलावा कोई शब्द है तो आपके त का प्रयोग होगा। देखिए कहीं पर यहाँ पर है घ यहाँ पर है, तो ये शब्द यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए क्या होगा आपके त आएगा। तो अगर ये सब अगर आगे रहें तो द का प्रयोग होगा, अगर ये सब नहीं रहें तो त का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर क्या होगा त का प्रयोग होगा। ये आप इसको याद रखिएगा, इसको याद कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका द और त में कभी कन्फ्यूजन नहीं आएगा। तो विकल्प क्या होगा दोस्तों, आपको बिल्कुल सही उत्तर होगा, उद्घाटन बराबर उद्घाटन।
और ये प्रकार की व्यंजन संधि है। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में समासिक पद चुनिए। मैंने बताया कि समासिक पद क्या होते हैं, जो आपके दो या दो से अधिक जो आपके शब्द रहते हैं उनसे मिलाने के बाद जो शब्द बनता है, एक नया शब्द, एक आपके एक लघु शब्द, उसे समासिक पद कहते हैं। तो ये समास विग्रह है, वीर का पुत्र, राह का खर्च, ये भी आपके समास विग्रह है, पथ से भ्रष्ट, ये भी समास विग्रह है, वायु वेग, ये क्या दोस्तों आपके समासिक पद है, और इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा वायु का वेग, वायु का वेग। और ये ऊपर के तीनों दोस्तों, वायु का वेग, वीर का पुत्र, राह का खर्च, ये तीनों आपके संबंध तत्पुरुष हैं। क्या है कि संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है, संबंध तत्पुरुष पूछ लेता तो समझ कर चलिए, संबंध तत्पुरुष के उदाहरण है। और पथ से भ्रष्ट दोस्तों आपके अपादान तत्पुरुष का समास, आपके अपादान, अपादान मतलब से अलग होना, तो पथ से अलग होना, पथ से भ्रष्ट, अपादान तत्पुरुष का आपके तत्पुरुष समास का भेद है, इस बात को समझ कर चलिए। और विकल्प क्या होगा दोस्तों आपके, ए सही होगा। 17वां क्वेश्चन, आपके विकल्प आपके यहाँ पर दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आता है और बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर देते हैं, यहाँ पर अगर समझेंगे तो समझ जाएंगे। मुझे बहुत आनंद आती है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि आनंद आते हैं ये भी नहीं होगा, मुझे बहुत आनंद आता है ये सही होगा, ये डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आते हैं है, आता है, मुझे बहुत आनंद आता है, तो सी विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। 18वां क्वेश्चन, की माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने भी आपको कई बार ये क्वेश्चन कराया है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी पुस्तक हिम तरंगिणी के लिए आपके हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी का फर्स्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए मिला है आपके माखनलाल चतुर्वेदी को, 1955 में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर बात करते हैं हिम क्रेटनी के लिए, तो इनके लिए भी इनको एक पुरस्कार मिला है, और जिसका नाम है दोस्तों आपके देव पुरस्कार, तो इसके लिए इन्हें देव पुरस्कार मिला है। अगर पूछता कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए देव पुरस्कार मिला है, तो होगा हिमक्रेटनी, लेकिन पूछ रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार के तीन क्वेश्चन अभी तक हमने देख लिए, एक दो चट्टानी वाला, एक दोस्तों हमने देखा था पहले 2014 में जो उपन्यास के लिए मिला था, और एक अभी देख रहे हैं हिम तरंगिणी के लिए इन्हें मिला है, समझ रहे हैं। तो साहित्य अकादमी के कई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए हैं, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर गए। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है, तो त्रिलिंग बिल्कुल सही उत्तर होगा, त्रिलिंग से आपकी उत्पत्ति हुई है तेलुगु की। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, जो भारत के उच्चतम न्यायालय हैं और जो उच्च न्यायालय हैं इसके जो भाषा संबंधी निर्देश हैं ये आपके आर्टिकल 348 में दिए गए हैं, 343 से लेकर 351 तक दोस्तों आपके आपके यहाँ पर भारत की राजभाषा के बारे में यहाँ पर आपके आर्टिकल हैं, तो 348 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। 21वां क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, तो रामचंद्रिका सही उत्तर होगा, और इसके आपके इसके बात करते हैं रामचंद्रिका के लेखक कौन है, तो इसके लेखक दोस्तों हो जाएंगे फिर केशवदास, इस बात को याद रखिएगा, और ये आपके राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, क्योंकि तुलसीदास के जो आपके रामचरितमानस है उसके बाद दूसरा यही सबसे ज्यादा राम आपके राम काव्य परंपरा के अंतर्गत विशिष्ट कृति यही बनती है आपकी। 22वां क्वेश्चन की जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है, तो वह आपकी एक संयुक्त क्रिया कहलाती है, जैसे मैं कहूँ वो उठ बैठा, यहाँ पर दो धातुओं का प्रयोग भी साथ साथ हो रहा है, तो ये कौन सी क्रिया आपकी संयुक्त क्रिया है। ना सकर्मक क्या होती है, आपके यहाँ पर जो क्रिया का प्रभाव सीधा ही दोस्तों आपके कर्म पर पड़े, यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म प्रभावित हो वहाँ पर सकर्मक क्रिया, और जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े और कर्ता प्रभावित हो उसे कहते हैं आपके अकर्मक क्रिया, समझ रहे हैं, ये आपके समझ गए। और नाम धातु की क्रिया की बात करते हैं, तो नाम धातु, नाम मतलब होता है दोस्तों की संज्ञा, मतलब कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इनसे जो क्रिया बनती है उससे होते हैं आपके उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। जिस संज्ञा की बात करते हैं संज्ञा है दोस्तों आपके हाथ, और हम इसकी क्रिया बनने दें हथियाना, हाथ से हथियाना, ये क्रिया है कौन सी क्रिया आपके नाम धातु क्रिया जो संज्ञा से बनी है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। 23वां क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरे चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा इन तिलों में तेल नहीं, तो इसके लिए सही होगा आपका एक नंबर है कि इन तिलों में तेल नहीं, जो आप जिससे आप मांग रहे हैं उनमें तेल नहीं है, तो बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तो इन तिलों में तेल नहीं। कंगाली में आटा के लिए विपत्ति में और विपत्ति आना, सर सलामत तो पगड़ी हजार, अगर आपकी मुख्य समस्या हल हो जाती है तो आपकी छोटी मोटी समस्या अपने आप हल हो जाएगी, घर की मुर्गी दाल बराबर, आपके महान व्यक्ति का घर में सम्मान नहीं होता है। आगे चलेंगे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, 24वें कि वाक्य में आय रिक्त स्थान के लिए शब्द के विकल्पों में सही शब्द चुनिए। ये बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था कि सही उत्तर क्या होगा और बहुत सारे समझ नहीं पाए। और हमने भी इसके लिए बताया था आपको कि इसको आपकी पता चलेगा कि आपकी इसको बोर्ड क्या मानता है। तो बोर्ड ने दोस्तों इसका सही उत्तर माना है ग्रामीण व्यक्ति, गाँव के लोगों को क्या कहते हैं तो ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं, ये बोर्ड का सही उत्तर है। तो बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। गंवार और ग्रामीण में बहुत सारे लोगों को समस्याएं थी लेकिन फाइनली यहाँ पर समझेंगे कि गाँव के लोगों को ग्रामीण कहते हैं। 25वां क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं काका चाचा फूफा, इन तीनों का वचन एक सा रहता है। ये तीनों क्या होते हैं दोस्तों, सर्वदा एक रूप में होते हैं, सर्वदा एक ही रूप में होते हैं। काका का काके नहीं होगा, एक रूप होता है। चाचा का चाचे नहीं, फूफा का फूफे नहीं, लेकिन बेटा का बेटे बन जाता है। तो किसका सर्वदा एक वचन सा नहीं रहता है, शब्द वचन एक सा नहीं रहता, तो बेटा होगा। 26वां क्वेश्चन आपके विकल्प में है, आपके स्क्रीन पर है कि राम विलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए दोस्तों साहित्य अकादमी से 4वां क्वेश्चन आपके विकल्प आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में आ गया है। तो साहित्य अकादमी से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर अब आप लेखपाल और एसआई के पेपर देने जाएं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार को समझ कर चाहिए। और लेखपाल अगर एसआई संबंधित अगर हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर भी स्टार्ट होगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब बहुत कर लीजिएगा। लेखपाल अगर एसआई की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं बहुत जल्दी यहाँ पर दोस्तों हमारी सारथी बैच चलेगी, तो उसमें हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगातार कराएंगे। अगर दोस्तों आप ये जो एग्जाम हुआ है इसकी कट ऑफ जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई, 4 लिंक आपको दी गई है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट की, सबकी पार्टिकुलर और एक इंपॉर्टेंट वीडियो कट ऑफ की। तो सब जाकर आप देख सकते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी होने वाली है। देखिए क्वेश्चन कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है, तो सन 1970 ईस्वी में। कब मिला है? सन 1970 ईस्वी में। तो ए विकल्प बिल्कुल सही नहीं, ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और किस रचना के लिए अगर मिला है एक क्वेश्चन पूछ लेता, तो निराला की साहित्यिक साधना, ये इनकी रचना थी निराला की साहित्य साधना, साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना ये इनकी रचना थी। और इसके लिए ही राम विलास शर्मा को सन 1970 ईस्वी में क्या मिला है दोस्तों, आपके आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 27वां क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे, तो यहाँ पर क्रमशः आपको सुनना है कि ये तीनों क्रमशः रहे। तो पार्वती का शिवा ये तो ठीक है, और पुत्र का आवन नहीं होता दोस्तों, तो ये आपकी गलत होगी क्योंकि पृथ्वी का आवन होता है, तो ये क्रमशः नहीं है, तो ये होगा नहीं। आपकी पार्वती का रुद्राणी होगा क्योंकि रुद्र का होता है, जब रुद्र का होता है आपके महेश के लिए तो रुद्राणी सही होगा शंकर जी के लिए, तो रुद्राणी मतलब पार्वती, जैसे इंद्र का इंद्राणी होता है तो उसी प्रकार से रुद्र का रुद्राणी, ये तो ठीक है। पुत्र को नंदन कहते हैं और पृथ्वी को अवनी, तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि पार्वती के लिए उमा ठीक है, पुत्र के लिए सुध भी ठीक है, लेकिन सुधा पृथ्वी के लिए ठीक है क्योंकि सुधा आपके अमृत का पर्यायवाची होगा, तो सी विकल्प भी गलत हो जाएगा आपके। डी की बात करते हैं तो सुमन पार्वती के लिए नहीं होगा क्योंकि सुमन आपके पुष्प के लिए होता है, सुता आपके पुत्र के लिए नहीं होगा क्योंकि सुता आपकी पुत्री के लिए होता है, वस्तु मतलब पृथ्वी होती है, तो डी विकल्प नहीं होगा। बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा कि पार्वती का होगा आपका रुद्राणी, पुत्र का नंदन और पृथ्वी का अमनी, अमनी इला पृथ्वी वसुधा ये सब होते हैं इनके। ठीक है, अब देखते हैं 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है आपके कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो विज्ञान में दोस्तों आपके बी उपसर्ग लगा है, बी धन ज्ञान बराबर विज्ञान, बी से होता है मतलब विशेष, विशेष ज्ञान, तो विज्ञान का उपसर्ग क्या है आपके बी है। उपसर्ग मतलब बताया था कि जो शब्द के आगे लगते हैं। 29वां क्वेश्चन, गणपति चंद्रगुप्त कौन, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, एक बहुत ही दोस्तों आपके बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। गणपति चंद्रगुप्त ने आपके हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। ठीक है, शालिभद्र सूरी को माना है। सबसे अथेंटिक की बात करते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, सरहपाद है, इनको हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है, और किसने इनको कहा है ये बहुत ज्यादा परीक्षा में इंपॉर्टेंट है जो पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राहुल जो सांकृत्यायन है, राहुल सांकृत्यायन, इस बात को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए क्योंकि आगे ये पेपर आप देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को माना, बहुत सारे लोग सरहपाद किए हैं तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था गणपति चंद्रगुप्त ने किसे माना है। अगर पूछता कि हिंदी का प्रथम कवि किसे है तब आप सरहपाद को सही कर सकते थे, लेकिन गणपति चंद्रगुप्त स्पेशली पूछा है तो उन्होंने शालिभद्र सूरी को माना है। अगर पूछता कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है तो कहते कि सरहपाद को माना है। यहाँ पर बात करते हैं स्वयंभू की, तो स्वयंभू को आपकी हिंदी का प्रथम कवि आपके माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और पुण्य जिन्हों को पुष्य भी कहते हैं इनको दोस्तों आपके हिंदी का प्रथम कवि आपके शिव सिंह सेंगर ने माना है, शिव सिंह, इन तीनों को अलग अलग व्यक्तियों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, इनको शिव सिंह सेंगर ने माना है।
ठीक है। तो पुंडे को शिव सिंह सिंगर ने, सरापात को राहुल शांकृत्यान ने, सालीभद्र सूरी को गणपत चंद्र गुप्त ने और स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आगे चलें तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो महाजनी शब्द में दोस्तों आपका ई प्रत्यय है, तो बी विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक इस संधि शब्द संधि भेद का उदाहरण है, तो प्रत्येक दोस्तों आपका इसका संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, और ई के बाद दोस्तों जब ए आता है तो ई और ए मिलकर आपके ये बन जाता है और ये आपके आधा रहता है, तो इस प्रकार से प्रत्येक ये बनता है और ये आपके यण संधि का उदाहरण है, क्या आपके यण संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में सहायक क्रिया की बात करिए, तो मैं यहाँ पर दोस्तों करता है, घर दोस्तों आपके कर्म है, जाता दोस्तों यहाँ पर मुख्य क्रिया है और हूँ क्या है दोस्तों की सहायक क्रिया है, सी बिल्कुल क्या होगा सही उत्तर होगा। 32 का क्या होगा आपका, सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आगे चलते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्र में ई प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा, तो राष्ट्र में आपके ई प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा आपके राष्ट्रीय, सी विकल्प क्या है सही है। चौथा क्वेश्चन है कि कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किन के बीच किया जा सकता है, तो 34वां का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, 34वां का सही उत्तर होगा शासकीय अधिकारियों के बीच में, यहाँ पर क्योंकि अर्ध सरकारी पत्र की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो शासकीय अधिकारी होंगे उनके आपस के बीच में आपके जो बातें होंगी, जो आपके मित्रवत व्यवहार के लिए जो बातें होंगी वो आपके अर्ध सरकारी पत्र के अंतर्गत आएगी, तो ये शासकीय अधिकारियों के बीच में हो सकता है। और ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि किसी एक परिवार दूसरे परिवार के बीच में अर्ध सरकारी होगा नहीं, अध्यापक और अध्यापक के बीच पूछता तो मैं मान सकता था, लेकिन अध्यापक और छात्र के बीच में अर्ध सरकारी पत्र नहीं होगा, आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच में भी अर्ध सरकारी पत्र नहीं होगा, तो ये विकल्प क्या होगा सही उत्तर आपका हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके आपके पंक्तियां हैं और ये आपके जो क्लास 9th की पुस्तक है उसमें आपके यहाँ पर क्लास 9th की जो यूपी बोर्ड का पेपर बनता है उसमें क्लास 9th की आपके ये आपके उसमें आपकी ये रचना है, तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी आपके रैदास जी की रचना है। अगले क्वेश्चन 36वां, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, तो सही वाक्य की पहचान है इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, ये होगा नहीं, यहाँ पर होगा सर्वत्र, सर्वत्र मतलब हर जगह शांति है, तो बी विकल्प क्या होगा सही उत्तर आपका बन जाएगा। तो 36 का क्या होगा दोस्तों, 36 का भी होगा। 37वें क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा चलते हैं हम, पर 37वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 37 क्वेश्चन आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए, दोस्तों की व्युत्पत्ति की दृष्टि से बनावट की दृष्टि से आपके शब्द तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों आपके रूढ़ शब्द और एक होता है यौगिक शब्द और एक होता है दोस्तों आपका योग रूढ़ शब्द और एक होता है आपके यौगिक। रूढ़ से कहते हैं जिस शब्द का दो सार्थक खंड न किया सके, यौगिक से कहते हैं जिसका दो सार्थक खंड किया सके, योग रूढ़ से कहते हैं जिसका आपके आपके जो यौगिक तो हो लेकिन उसका कोई तीसरा अन्य अर्थ निकलता हो, करने के बदले जो बहुवरी समास के जितने उदाहरण होते हैं जो योग रूढ़ होते हैं। मुरलीधर की बात कर रहे हैं तो मुरलीधर आपके यौगिक तो है लेकिन इसका एक विशेष अर्थ आपके कन्हैया आपके आपके कृष्ण के साथ निकल रहा है, तो ये योग रूढ़ की श्रेणी में चला जाएगा। पंकज की बात करते हैं यौगिक तो है लेकिन इसका एक अलग अर्थ निकल रहा है आपके कमल, तो ये योग रूढ़ की श्रेणी में चला जाएगा, तो ये दोनों योग रूढ़ हो गए। पुस्तक की बात करते हैं दोस्तों ये आपके रूढ़ हो जाएगा, ठीक है। और परमौषध की बात करते हैं तो परम धन औषधि ये आपके एक यौगिक बनता है, तो ये आपका सी विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सारे क्वेश्चन के यहाँ पर हल देख लिए हैं, अब एक नंबर में आपको बता देते हैं कि फिर कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, हिंदी के लिए आपकी कितनी कट ऑफ, तो उससे मैं बताता था मैं सेफ नंबर आपके कितने का होने चाहिए, तो आप सही हैं दोस्तों आपके यहाँ पर 37 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, मैं यहाँ पर समझ कर चलता हूँ कि यहाँ पर लगभग 7 क्वेश्चन आपके हार्ड थे, 7 क्वेश्चन आपके हार्ड थे, 30 क्वेश्चन तो आपको बुरे से बुरी स्थिति में कर देना ही चाहिए था, 30 क्वेश्चन कम से कम आपके सही होने चाहिए थे। जिनके 30 क्वेश्चन सही हैं इस कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा, और जो यूपी लेखपाल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आपके पेपर बहुत ही अच्छा था। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, और अगर आप हिंदी की और अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द मैं एक नई क्लास आपकी स्टार्ट करूंगा हिंदी के लिए, एसआई और आपके लेखपाल के लिए। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं, जाते जाते बस एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश जेल वाटर फायरमैन संबंधित, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ पर लिखा रहेगा कट ऑफ सबसे सटीक सबसे तेज, यहाँ पर ये वीडियो मिलेगा। और यहाँ पर हमने चर्चा की है कि हिंदी के कैसे पेपर हैं, गणित के, उसके बाद कट ऑफ बताइए, और आप सीधा कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये वीडियो है, इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पर लिखा रहेगा जेल वाटर कट ऑफ प्लस नॉर्मलाइजेशन, अगर नॉर्मलाइजेशन की पद्धति क्या होनी है, कट ऑफ कैसे है इसको देखना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो सभी वीडियो आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक, धन्यवाद।